नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या RAS एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतिहास के जो जो टॉपिक थे, जिसमें से अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे, तीसरे टॉपिक के अपने चार भाग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज नंबर पाँचवा भाग है दोस्तों, ठीक है। आज इसका पाँचवा भाग है जिसमें 130 से आगे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, ये आज इसका लास्ट भाग है, कल इसका नया चैप्टर आएगा इतिहास का। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या RAS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड के नोट्स थे जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कला संस्कृति और इतिहास, ये दोस्तों नोट्स हैं, हम हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, कई किताबें हैं, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की चार चार पाँच पाँच किताबें आती है जो लेवल की आती है दोस्तों, तो वो चार पाँच है वो आप पढ़ नहीं सकते। तो दोस्तों, उनका एक सोर्स निकाला है हमने, खुद ने लिख के दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स हैं, ना किसी की कॉपी है। और दोस्तों, आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें और उसके अनुसार आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का सादी है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमीर हसन को कहा जाता है दोस्तों, भारत का सादी, ठीक है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले में नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया? निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले में नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिश्ती संप्रदाय ने, ठीक है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133 नंबर प्रश्न है, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी थी वह थी? तो दोस्तों, वह कौन सी थी विशिष्टता जो चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जोड़ी थी? तो दोस्तों, कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कीर्तन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कीर्तन। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो दोस्तों, हुजूर साहब का जो गुरुद्वारा है वो किसकी याद में बनाया था? तो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुरु नानक की याद में बना था दोस्तों, हुजूर साहब का गुरुद्वारा। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 135 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत ने योगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? निम्न में से किस सूफी संत ने योगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 136 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो दोस्तों, किसने किया आप सभी को पता भी होगा, पुष्टि मार्ग का दर्शन का प्रारंभ है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वल्लभाचार्य ने। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 137 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? तो दोस्तों, किसका निधन है वो वाराणसी में हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, यमुनाचार्य। तो दोस्तों, किसका निधन है वो वाराणसी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य का निधन है वो दोस्तों वाराणसी में हुआ था और इन्होंने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 138 नंबर प्रश्न है, राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे? राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले संत थे, तो वो संत कौन से थे दोस्तों, वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 139 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने साहस के साथ वैदिक यज्ञ परंपरा का समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? दोबारा देखो प्रश्न को, निम्न में से किसने साहस के साथ
वैदिक यज्ञ परंपरा का समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुमारिल ने, ठीक है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद है जो राय पिथौरा के किले के स्थान पर बनाई गई? निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद है जो राय पिथौरा के किले के स्थान पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, जामा मस्जिद, कुवतुल इस्लाम, कला मस्जिद, खिड़की मस्जिद। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, वो राय पिथौरा के किले के स्थान पर बनाई गई थी। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ स्थित है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कहाँ पर है ये स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मेवाड़ में, ठीक है। दो नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 142 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख मिलता है? तो सबसे प्रारंभिक उल्लेख है वो दोस्तों किसका मिलता है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गजनवियों का इतिहास, ठीक है, गजनवियों का इतिहास। एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर प्रश्न है, यहाँ के संगीत मनुष्यों को ही नहीं पशुओं तक को प्रभावित कर लेता है, भारतीय संगीत से हरिण कृत्रिम निद्रा में निमग्न हो शिकारी का शिकार बन जाते हैं, कथन भारतीय संदर्भ में कहा गया है, यह कथन किसका है? दोबारा देखो, यहाँ का संगीत मनुष्यों को ही नहीं पशुओं तक को प्रभावित कर लेता है, भारतीय संगीत से हरिण कृत्रिम निद्रा में निमग्न हो शिकारी का शिकार बन जाता है, यह कथन भारतीय संदर्भ में किसने कहा है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमीर खुसरो का कथन है दोस्तों ये। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ सारंगदेव निम्नलिखित में से कहाँ का दरबारी कवि था? तो दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ सारंगदेव निम्नलिखित में से कहाँ का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मालवा का। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस्लाम में किसका निषेध किया गया है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से इस्लाम में किसका निषेध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो, चित्र संगीत और नृत्य, इन तीनों का निषेध किया गया है इस्लाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय सुल्तान ज्योतिष का विद्वान था? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय सुल्तान ज्योतिष का विद्वान था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन, तो ताजुद्दीन फिरोज, ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज। ये एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 47 यानी कि 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कामशास्त्र पर लिखी गई है? तो कौन सी कृति है वो कामशास्त्र पर लिखी गई है? तो वो है दोस्तों इसमें मिप्ता उस सुरूर ए आदिली, ठीक है, ये कृति है ये दोस्तों कामशास्त्र पर लिखी गई है, याद रखना इस चीज़ को। दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोधिकालीन कवि है? तो दोस्तों लोधिकालीन कवि है वो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जमालुद्दीन। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती नामक अवधि काव्य का रचनाकार है? तो दोस्तों मृगावती नामक अवधि काव्य ग्रंथ का जो रचनाकार है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है कुतुबन। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से सूफी विचारधारा पर प्रकाश पड़ता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से सूफी विचारधारा पर प्रकाश पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पद्मावत में, ठीक है। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, होज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों शमसी ईदगाह है और होज ए शमसी का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 152 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कुशक ए शिकार क्या है, निम्नलिखित में से कुशक ए शिकार क्या है, तो दोस्तों कुशक ए शिकार है वो मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न है, भारतीय इस्लामी संस्कृतियों के संगम से कौन सी नई वाद्य यंत्र की रचना हुई, भारतीय इस्लामी संस्कृतियों के संगम से कौन सी नई वाद्य यंत्र की रचना हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों कौन सा, भारतीय इस्लामी संस्कृतियों के संगम से कौन सी नई वाद्य यंत्र की रचना हुई, तो वो है सितार की। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी के दो महान कवि थे, तो दोस्तों फारसी के दो महान कवि कौन कौन से थे, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी, ये दोस्तों फारसी के दो महान कवि थे। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महान इतिहासकार को निजामुद्दीन औलिया के अहाते में दफनाया गया, निम्नलिखित में से किस महान इतिहासकार को निजामुद्दीन औलिया के अहाते में दफनाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अमीर खुसरो को। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 156 नंबर प्रश्न है, सितार का आविष्कारक माना जाता है, तो दोस्तों सितार का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था अमीर खुसरो ने, किसने किया था, अमीर खुसरो ने दोस्तों सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, 157 नंबर प्रश्न है, बंगला भाषा में भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था, बंगला भाषा में भगवत गीता का अनुवाद है वो किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों किसने, मालाधर वसु ने किया था दोस्तों बंगला भाषा में भगवत गीता का अनुवाद। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपा रामायण के लेखक थे, तो दोस्तों पंपा रामायण के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है नागचंद्र। ठीक है, नागचंद्र हैं ये पंपा रामायण के लेखक हैं। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 159, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृतिवास में किया था दोस्तों। ठीक है, कृतिवास ने किया था रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, सही है दोस्तों। ठीक है, कृतिवास ने रामायण का बंगला भाषा में किया था अनुवाद वो कृतिवास ने किया था, और भगवत गीता का किसने किया था, तो मालाधर वसु ने किया था। इस चीज़ को दोनों को याद रखना है आपको। ठीक है, 160 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंगाली शासक ने महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद कराया, निम्नलिखित में से किस बंगाली शासक ने महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद कराया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, वो है दोस्तों नुसरत शाह ने कराया था। ठीक है, बंगाली भाषा में अनुवाद। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया, तो किसने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया, तो वो है दोस्तों इसमें सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 162 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा कश्मीरी शासक था जिसने महाभारत व राजतरंगिणी का संस्कृत भाषा में फारसी भाषा में अनुवाद कराया, तो दोस्तों कौन सा कश्मीरी शासक था जिसने महाभारत व राजतरंगिणी का संस्कृत भाषा में व फारसी भाषा में अनुवाद कराया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जैन उल अब्दीन ने कराया था दोस्तों ये अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था, तो वो कराया था दोस्तों अनंत वर्मन चोड़गंग ने। ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अनंत वर्मन चोड़गंग ने करवाया था। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक कुंभलगढ़ के किले का निर्माण कराया, तो दोस्तों ऐतिहासिक कुंभलगढ़ के किले का निर्माण है वो किसने कराया, वो करवाया दोस्तों राणा कुंभा ने। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को बंगाल का बाइबल कहा जाता है, तो दोस्तों किस ग्रंथ को बंगाल का बाइबल कहा जाता है, तो बंगला रामायण को दोस्तों बंगाल का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तीन नंबर का ऑप्शन, ठीक है। और रामायण का दोस्तों बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों कृतिवास ने, ठीक है, कृतिवास ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर प्रश्न है, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा की जीवनी है, तो दोस्तों किस में है, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा की जीवनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, वो है दोस्तों राज विनोद में है, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो पर्सी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा, तो पर्सी ब्राउन ने दोस्तों किसके बारे में लिखा, तो स्थापत्य कला के बारे में लिखा था पर्सी ब्राउन ने, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न है, फिरोज तुगलक की निम्न में से किन गतिविधियों से साबित होता है कि उसे विज्ञान में रुचि थी, फिरोज तुगलक की निम्न में से किन गतिविधियों से साबित होता है कि उसने विज्ञान की विज्ञान उसकी विज्ञान में रुचि थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें वेदशालाओं का निर्माण कराना, ठीक है, उससे पता लगता है कि विज्ञान में रुचि थी फिरोज तुगलक की, चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ को बिहारी बुल की उपाधि दी गई, तो दोस्तों बिहारी बुलबुल की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी, किस संगीतज्ञ को दी गई थी बिहारी बुलबुल की उपाधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिंतामणि को दी गई थी दोस्तों, दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर प्रश्न है, सुप्रसिद्ध सम्राट विग्रहराज बिसलदेव के संस्कृत विद्यालय एवं मंदिर पर बनी तुर्की इमारत है, तो दोस्तों वो तुर्की इमारत है वो कौन सी है, वो अपने को दोस्तों इसमें बताना है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों एडाइदीन का झोपड़ा, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो दोस्तों किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कव्वाली को माना जाता है दोस्तों, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो इतिहास में फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों इतिहास के जो अपने तीन टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, चौथा चैप्टर आएगा दोस्तों मुगलकालीन शिक्षा भाषा साहित्य कला एवं स्थापत्य, ये दोस्तों अपना इसमें चौथा चैप्टर आएगा ये, तो दोस्तों कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछले अगर इतिहास के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ जाके सारे के सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी आराध्य आर्यस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों जिसने नोट्स नहीं खरीदे हैं दोस्तों, टीचर है उसकी एक घंटे की पेमेंट होती है 1500 से 2000 के लगभग, ठीक है, और वो सारी क्लासें आपको एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड हो रही है, तो दोस्तों उसको मत चुकें, आप उसको ज़रूर खरीद लें क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।